वेलकम बैक। आईटी सेक्टर की बात करेंगे। वेल, आईटी पर हम डिफरेंट डे जो है डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज का भी टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस टॉपिक से एसोसिएट बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हिडन हैं, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। हम रोबोटिक की बात करेंगे कि किस तरीके से पॉसिबल होगा टेक्नोलॉजी का कि वो रोबोट्स पे जो है अपने मामला देखे। कराची में भी अभी ने देखा कि गुज़िश्ते हफ्ते कहीं तकरीब हुई है, वहाँ पर रोबोट्स चले हैं और वो ग्रीटिंग स्विट्स लोगों को दे रहे हैं। तो ये तो एक बहुत छोटी सी पिक्चर है, लेकिन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो स्टोरी से ज़्यादा डिफरेंट है और इससे ज़्यादा मुस्बत है, स्ट्रेंथन है। लेकिन उसकी अडॉप्शन पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही और क्यों नहीं हो सकती, इसी पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मार्केट्स एसोसिएट बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं और टेक्नोलॉजी की वो बात बहुत बेहतर करते हैं और एक नया चेंज वो देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में आना चाहिए जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। मोहम्मद हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया एंड ही इज़ द ब्लॉक चेन बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर एंड ब्लॉक टेक से एसोसिएट करते हैं। हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर वंस अगेन। और आज जो हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से, हम उसमें कुछ और नई चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब रिपोर्ट्स की मैंने एक एग्जांपल रखी है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है मुझे आप बताइए कि कैसे पेपर लेस इन्वायरमेंट हम देखते हैं, पेपर फ्री इन्वायरमेंट हम देख रहे हैं। हम रोबोट्स की बात कर रहे हैं, हम AI की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, पाकिस्तान पर इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? हारून, क्या बात है? अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है, करना नहीं चाहते, हो नहीं सकता, क्या वजह है? देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह है, हमारे पास इस वक्त दो इकोनॉमी चल रही हैं। नंबर वन इज़ अवर ओल्ड इकोनॉमी एंड नंबर टू इज़ अवर न्यू इकोनॉमी। ये सारी जो हम चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी न्यू इकोनॉमी कैसे हैं। लेकिन सारी बात ये कि जो ये ओल्ड इकोनॉमी के जो लोग हैं इस वक्त, जो हमारे पास जो टॉप नॉच जो इस वक्त जो बिलियनर जो यहाँ मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, या जो कंपनीज रन कर रहे हैं, या जो डिफरेंट हमारे साथ जो मिल के इस मुल्क को चला रहे हैं, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो इस नई टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन को नहीं ले पा रहे। ठीक है, अब हम जैसे लोग या और दूसरे वेंडर्स या और भी कोई ऐसी फिनटेक कंपनीज है, जब वो जाके बात करती हैं उनसे, तो वो एक तो सबसे पहली बात है कि उसकी अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है, फिर हमारे एजुकेशन सेक्टर्स में या अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें, वहाँ अगर पढ़ाया भी जा रहा तो इतना एडवांस नहीं पढ़ाया जा रहा है चीज़ों को कि लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है। सही बात। अगर आपको ये नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो आप पाकिस्तान में किस तरह से लेकर आएंगे? लेकिन अगर आपको पता है कि दुनिया में हो रहा है और अगर आप उसको पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जिससे बात करें सामने वाले से, तो उसको भी तो अंदाजा होना चाहिए। आप बताएं, आपकी कंपनी क्या करती है? व्हाट्स योर कंपनी डज और आप लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैं एसोसिएट हूँ ब्लॉकचेन टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और हमारी जो कंपनी ब्लॉकचेन टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट बेसिकली कम्स अंडर प्लैनेट एंड ग्रुप ऑफ कंपनी। ठीक है जी। जो प्लैनेट एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ये हमारे नदीम हुसैन साहब जो हमारे फाउंडर और इजी पैसा और तामीर बैंक के जो रह चुके हैं, उनका ये आइडिया और उनका ये ख्वाब है कि वो अपने जो उन्हें लास्ट, आपको पता है कि लास्ट उन्होंने भी जो बैंक था तामीर सर, नदीम हुसैन साहब इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सनैलिटी इन द पाकिस्तान। और हमें तो हमारे गवर्नमेंट के लोगों को चाहिए उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लें, क्योंकि उनके अंडर उनके पास जो एग्जीक्यूशन है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मिस्टर पाशा इज देयर, जहाँ आ रहा इज देयर, ये ऐसी पर्सनैलिटी आप लोग हैं। मुझे तो इतनी खुशी होती है कि डेली बेसिस पर इतने अच्छे माइंडसेट के साथ लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे पास जो फुकदान है सरकारी सतह पर, हम उनसे काम नहीं ले रहे। लेकिन जो उनके सबसे अच्छा जो तजुर्बा रहा है, वो उनका तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक का रहा, इजी पैसा का रहा है, और उन्होंने देखा कि दुनिया में ये सब चीज़ें हो रही, तो पाकिस्तान में उसकी अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, अडॉप्शन होनी चाहिए। 12 साल की मेहनत के बाद उन्होंने तामीर बैंक को इस लेवल पे लाके खड़ा किया कि आज इजी पैसे का नाम है मार्केट में, सब उसको जानते हैं। उसके साथ साथ फिर मार्केट में दूसरे कॉम्पिटेटर्स भी आ गए। लेकिन उन्होंने वो 12 साल करने के बाद आज उन्होंने ये स्टेप ये लिया, यानी पिछले साल ये स्टेप लिया कि अब उनके पास 20 कंपनियां हैं और ब्लॉकचेन टेक प्राइवेट लिमिटेड इज़ वन ऑफ दोज कंपनी। वो ये चाह रहे हैं कि इन 20 कंपनियों को पाकिस्तान में फर्दर फरोग दें, ताकि जो ये जो नई नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है उसमें उनके पास जो है उसका 6 वर्टिकल्स हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें, सेविंग की बात करें, नैनो क्रेडिट की बात करें, आपके पास रोबोटिक्स की बात करें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये सारी चीज़ों का एक मुरक्कब बन के तब जाके फिर हम एक डिजिटल बैंकिंग की बात करेंगे, हम किसी डिजिटल इकोनॉमी की बात करेंगे। ठीक, तो आप ब्लॉकचेन पे और इस रोबोटिक और AI इन तमाम तरह कंपोनेंट्स पर काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या सलूशन देख रहे हैं? मसाइल इतने ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ इदारे बैंकिंग स्टेट बैंक एडॉप्ट करने से घबराते क्यों हैं, या ये सोचने कि अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं आ जाएगी? एक सबसे जब बड़ा जो मिसकॉन्सेप्ट है हम पाकिस्तानियों के दिमाग में परसेप्शन है कि जी टेक्नोलॉजी आएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ना हो जाए कहीं। देखिए, जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, ये वही बातें कर रहे हैं कि अगर हम 2000 में चले जाएं, जब IT का दौर था, जब IT का दौर दौरा था, तो वहाँ पर IT की बातें हो रही थी कि जब IT आ जाएगा, जब ईमेल की कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाएगी, तो ये पोस्टमैन क्या करेंगे, ये सर्विसेज क्या करेंगी। लेकिन सारी बात ये है कि इन सब चीज़ों के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जो IT एक्सपर्टीज़ है उनकी भी तो डिमांड है। अब मैं आपको मिसाल दूँ, इस वक्त ब्लॉकचेन की मिसाल दूँ,
दुनिया भर में इस वक्त जो ब्लॉक चेन की जो एप्लीकेशन बनाई गई है वो 1000+ एप्लीकेशन है, लेकिन जो डेवलपर्स की तादाद है वो खाली 600 है। इसका मतलब है हर एक बंदे ने 1.4 बनाई, जो लॉजिक नहीं बनती मेरे हिसाब से। लेकिन बात सारी है कि जब मैं मार्केट में जाता हूँ, बात करता हूँ कि यार आई नीड एक्सपर्टीज ऑन द ब्लॉक चेन, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, जैसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट से मेरी बात होती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनको पूछता हूँ यार क्या तुम्हें सॉलिडिटी आती है, क्या तुम्हें जो है वो SQL आती है, क्या तुम्हें PHP आती है, क्या तुम्हें लारावेल आती है। नहीं, कुछ टेक्नोलॉजी का नाम सुन के वो एकदम से परेशान हो जाते हैं कि नहीं सर ये तो हमारी टेक्नोलॉजी पढ़ाई नहीं आती इंस्टीट्यूट में। तो अब आप मुझे बताएं कि ये तो डिमांड तो क्रिएट हो रही है, लेकिन सप्लाई कहाँ है इसकी? Exactly. सप्लाई का जो काम है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का काम है, ना कि कॉर्पोरेट का काम है। वो क्या कर रहे हैं? सही बात है। वो ये क्या कर, मतलब वो यही कर रहे हैं कि आज से 10 साल जो पुरानी किताबें पढ़ाई जा रही है कि जी कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर चलता किस तरह है, मॉनिटर क्या काम करता है। लेकिन कुछ जगहों पर ये चीजें हो रही है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा भी, क्योंकि उसकी पॉलिसी, उसका करिकुलम। मैंने IBA से पढ़ा, मैंने इकरा से पढ़ा है हारून, वहां पर तो IT पे अच्छी बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, बाहर के राइटर्स हैं, बाहर के ऑथर्स हैं, वो तो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। जो चीज जो अच्छे काम कर रहे हैं मैं उनको सपोर्ट करूंगा, लेकिन मेजॉरिटी नहीं है इसके साथ। देखिए मेजॉरिटी इसलिए नहीं है कि एक तो वहां पर ये सिखाया, बहुत कम इंस्टीट्यूट में शायद ये सिखाया जा रहा है कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप की मैं 14 साल का एक्सपीरियंस छोड़कर आ गया हूँ, अपनी बैंकिंग का, टेलीकॉम का, अपनी शिपिंग कंपनी का सारा, और मैंने इरादा किया पिछले साल के, नहीं यार मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बिजनेस करना है। एंटरप्रेन्योर की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि आपके पास सबसे पहले पैशन होना चाहिए। पैशन लाने के लिए आपको बहुत सारा कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना चाहिए। हारून ये सवाल इसलिए कर चुका हूँ कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स आते हैं पैशन के साथ उतरते हैं, नहीं पैशन भी उनके पास, आईडिया भी उनके पास है, लेकिन सबसे बड़ा फुकदान आता है कमर्शियलाइजेशन का। अगर आपकी चीज़, अगर आपकी प्रोडक्ट, अगर आपकी सर्विसेज नहीं बिक रही, तो वो फिर आपका आइडिया वो फिर किसी काम का नहीं है, या आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, या आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से 700+ स्टार्टअप्स हैं, लेकिन उनका जो सक्सेसफुल, जो उनका जो सक्सेस रेशियो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। या तो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, या तो ये आगे बढ़ के काम करें, या फिर हम जैसे लोग इनको जाके सपोर्ट करें। मैं तो हमेशा सपोर्ट करता हूँ इन चीज़ों में कि जाएं जाके जो है स्टूडेंट को बताएं कि नौकरी में सब कुछ नहीं, क्योंकि आइंदा आने वाले वक्तों में जो हम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं कौन रिप्लेस करेगा इसको, ये सब डिस्प्लेस कर देंगे, ये रिप्लेस कर देंगे। बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर लें, डिजिटल जॉब भी होनी चाहिए। देखें हर कोई, हर किसी में हारून स्किल्स नहीं होती हैं कि वो जो है बिजनेस कर सके। कुछ हर आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, आप हारून जो आप बात कर रहे हैं वो कोई और बात नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप एक डिफरेंट सलाहियत दी है। अच्छा मुझे सबसे ज़्यादा जो अहम सवाल मैं ये रख रहा हूँ कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का जो मकसद है जिस पे बहस की जाती है कि डिसेंट्रलाइज द राइट सॉल्यूशन इज डिस्ट्रप्टिव इन द मार्केट और नॉट। देखिए ऑब्वियसली सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सेंट्रलाइज अथॉरिटी की वो है कि उसकी जो एक इजारादारी है या उसकी जो बुनियादी उसकी जो एक जिम्मेदारी है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आज अगर इस तमाम शो में अगर मैं अपनी इजारादारी अगर मैं दिखाना शुरू कर दूं तो आप लोग मेरे मोहताज हो जाएंगे, लेकिन अगर ज़रा सा मेरा सिस्टम आगे पीछे हुआ, किसी ने मुझे हैक किया, तो ऑटोमेटिकली वो जो पॉलिसी है मुझसे डेबिट कर जाएंगे। हमारे सामने ऐसी कई मिसालें पाकिस्तान में, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा उसका, लेकिन आपके सामने बहुत सारे केसेज हैं। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि सबके पास एक सेंट्रलाइज डेटाबेस मेंटेन हो रहा था। अगर किसी हैकर ने उसको हैक किया, NHS की मिसाल आपके सामने जो अभी UK में है, आपको पता रैनसमवेयर अटैक हुआ जी, बिल्कुल हुआ, उसका सबसे बड़ा मसला ये था कि सेंट्रल जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसको आप किस तरह सिक्योर करेंगे। फिर आपको साइबर सिक्योरिटी चाहिए, फिर आपको ISO चाहिए, फिर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी चाहिए कि इस पर कोई अटैक ना कर सके। अगर अटैक किया उस पर, अगर उसको हैक किया, तो आपका सारा डेटाबेस पर आपको कोई जो है उसको मतलब चुरा सकता है उसको। लेकिन हम जब बात करेंगे ना डिसेंट्रलाइज की, देखिए डिसेंट्रलाइज का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा वसी है। ये सेंट्रलाइज को इतना बाईपास करने की कोशिश कर रहा है दुनिया भर में कि हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि डिसेंट्रलाइज कहाँ तक। ये जो मेरा मोबाइल फोन है ये भी मेरा डिसेंट्रलाइज काम कर रहा होगा। मेरे पास ऐसी कई सारी मिसालें हैं कि अगर आप अपने कंप्यूटर को अगर आप लॉग इन करते हैं या अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और अगर आपको इसके बदले कोई सर्विसेज मिल रही होती हैं तो उनको भी आपकी सर्विसेज चाहिए होती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ मेरे पास ऐसी, जैसे एक मोनेरो की एग्जांपल मेरे पास है, एक ऐसी बिटकॉइन के ऊपर या एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी उसके ऊपर है कि मोनेरो ये करता है कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे काम करता है और आपको वो सर्विसेज दे रहा होता है, साथ में वो आपसे सर्विसेज ले रहा होता है, यानी कि आपके हर कंप्यूटर गैजेट्स मोबाइल फोन आपके वो आपके खुद फंक्शनिंग कर रहे होंगे, आपके किसी एल्गोरिथम को या किसी जो पजल उसको सॉल्व कर रहे होंगे या किसी भी क्वेरी को सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये इतना डिसेंट्रलाइज नेटवर्क हो जाएगा और इसकी सबसे बड़ी इफादत यह है कि टेंपर प्रूफ है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता, इसकी कोई टेम्परिंग नहीं कर सकता। उसकी वजह यह कि तकरीबन 10,000-20,000 लाखों की तादाद में कंप्यूटर के पास वो डेटाबेस मौजूद है, तो हैकर कहाँ कहाँ जाके अटैक करेगा वो नहीं कर सकता। ना आपके लिए इसके लिए कोई साइबर सिक्योरिटी चाहिए होती, ना आपके लिए ना आपको क्रिप्टो इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, हम डिजिटल कॉइन्स की करेंसी की बात कर रहे हैं, तो डू यू थिंक कि एक बहुत बड़ा चेंज ग्लोबल मार्केट में आएगा, लोग किस तरीके से इसको अडॉप्ट करेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका किस तरीके से देखेगा, क्योंकि फॉरेक्स की एक अलग मार्केट है, उस पर अलग ट्रेडिंग हो रही है, वो बराह रास्त उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, मार्केट को जो है रापाफ होना पड़ता है। डू यू थिंक क्रिप्टो इकोनॉमी जो है ये एग्जिस्ट करेगी आने वाले दिनों में? बिल्कुल करेगी। देखें क्रिप्टो इकोनॉमी एक बहुत बड़ा वसी एक आप कह लें एक वाइट बाजवर्ड है,
नॉट लाइक क्रिप्टो करेंसी तो एक महदूद है कि पेमेंट की हद तक है कि जो क्रिप्टो करेंसी यूज़ हो रही है अब इस वक्त कोई 849 क्रिप्टो करेंसीज इन द वर्ल्ड ऑन द ब्लॉकचेन एप्लीकेशन द ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म आर वर्किंग नाउ. लेकिन जो क्रिप्टो इकोनॉमी की बात हो रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. उसमें आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री आएगी, उसमें आपकी जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री आएगी, उसमें आपकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज आएंगी, उसमें आपकी AI आ जाएगी, उसमें आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी आ जाएगी, उसमें आपकी जो भी आपस में लोग कनेक्ट हो रहे हैं नॉट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ द क्रिप्टो करेंसी और फॉर द पेमेंट. आपस में अगर एक दूसरे को ट्रांजेक्शन भी करें तो वो भी क्रिप्टो इकोनॉमी का हिस्सा है. अगर मैं आपको मिसाल दूं, अगर ये कुछ आपको पता होगा, ट्विटर का भी आपको पता है कि डिसेंट्रलाइज भी एप्लीकेशन आ रही है, उसको लियोरा कहते हैं. वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन इथेरियम बेस पे बनाई गई है. उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब ट्विटर के पास इनके पास भी अपनी इजारादारी नहीं होगी कि वो ये नहीं कर सकते कि अगर हारून ने कोई ऐसे गलत कमेंट्स लिखे तो वो उसको खुद जाके ब्लॉक करें, या अगर कोई बंदा गलत बात कर रहा है तो उसको खुद ब्लॉक करेंगे. डिसेंट्रलाइज में क्या होगा कि लोग जितना ज़्यादा डिसलाइक करेंगे वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से वाइप आउट हो जाएगा. तो पता ही चला कि डिसेंट्रलाइज में लोग खुद लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो बुनियाद थी ना वो 70s में आई थी जब एक चली थी साइफर पंक मूवमेंट. इसे हम कहते हैं पेयर टू पेयर, यानी कि लोग जो है वो लोगों को कंट्रोल कर रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर कोडिंग या कोई ना कोई ऐसा एल्गोरिथम डिफाइन होगा कि लोग उसके मोहताज हो जाएंगे, लोग अपने आप को डेविएट नहीं कर पाएंगे. लोग पॉलिसी जब सेंट्रलाइज की बात होती है तो हर कोई चाहता है कि यार वो जिम्मेदार है उस चीज़ का, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ. लेकिन जब डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं तो उसमें हारून रोहेल हम जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं ये सब की सब जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाएगी कि आप वो काम ना करें जिससे आपको उधर उस नेटवर्क से किसी एक की ज़्यादादारी या किसी एक की मोनोपोली नहीं हो सकती. एग्जैक्टली मेरे पास एग्जांपल है विस्पर की. विस्पर जो काम कर रहा है इस वक्त वो क्रिप्टो इकोनॉमी पे काम कर रहा है. आपने व्हाट्सएप का नाम सुना है, ठीक है, व्हाट्सएप का को डिस्प्लेस कर देगा ये, ठीक है. विस्पर को 1.5 साल लगे बनाने में. विस्पर टेक्नोलॉजी की जो सबसे बड़ी खास बात है वो डिसेंट्रलाइज है, और वो ये करता है कि लेट सपोज अगर हम दोनों आपस में हम सब एक ग्रुप बना के अगर हम यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप के पास 100 लोग हैं, मैंने जो भी कम्युनिकेशन करूँगा वो सबको नज़र आ जाएगी. लेकिन विस्पर में ऐसा नहीं है. अगर मैंने उसमें आपकी पब्लिक की डाली बाकी किसी को नज़र नहीं आएगा 100 के ग्रुप में, सिर्फ आपको नज़र आएगा बिकॉज यू आर हैविंग योर ओन प्राइवेट की, ठीक है, आप उसके पास. तो ये बहुत सारी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, चूंकि टाइम की खिल्लत है. लेकिन अब ये जो डिसेंट्रलाइज की बात करें ये डिस्प्लेस करेगा दुनिया में जाके मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को. मेरे पास मिसाल है इस वक्त फार्मा इंडस्ट्री की. देखिए फार्मा इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है काउंटरफीटिंग का. $200 बिलियन की ड्रग्स इस वक्त दुनिया में काउंटरफीट की जा रही हैं. मैं 2 नंबर नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा कि वो जेन्युइन नहीं है या उसमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे मिलावट की गई है उसमें, उसको कैसे किया जाए. तो मैं एक जगह जाके अपने क्लाइंट से बात कर रहा था, मैं उसको उसकी अपादत बता रहा था कि अगर आपने इस काम को डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी कि आप जब जब आपकी ड्रग्स निकलेगी बैच से निकल के तो उसके ऊपर जो टाइम स्टैम्प के साथ जो ब्लॉक चेन के अंदर जो ट्रांजेक्शन के अंदर कोड हो जाएगा उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. यानी कि रात 11:12 और 13 सेकंड पर अगर वो उस ट्रे से निकलता है वो कोई भी दवाई की या कोई भी ऐसी हमारे पास मेडिसिन जो हाईली ड्रग के ऊपर होगा या रैपर पे या बॉक्स पे, रैपर के साथ उसको सील करके. लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वो ये कहते हैं कि आज अगर एक आम आदमी एक आम सी दुकान पे जाता है तो उसको ये लगता है उसकी दुकान की हालत देख के, एक एक फार्मा की एक नॉर्मल सी दुकान है, क्या तुम्हारे पास ओरिजिनल दवा मिलना मुश्किल है. तो वो ज़्यादातर नामी ग्रामी जो 4-5 दुकानें कराची में या मुख्तलिफ 15-20 दुकानें पाकिस्तान में चल रही जिनका नाम है लोग उन्हीं के पास जाते हैं. तो ये सेंट्रलाइज है ना ये. अब मैंने इनको ये कहा कि अगर आप इस सोल्यूशन को लेकर आते हैं हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा 2 इस वक्त टारगेट है, एक फार्मा इंडस्ट्री और एक हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है. जो डॉक्यूमेंट जो भी प्रूफ अगर आपको चाहिए अगर आपने ब्लॉकचेन पे लिया है वो इतना सस्ता इतना सहल इतना आसान है कि एक आम आदमी भी अगर वो अफ्रीका में भी अगर आपकी दवा अगर किसी जनरल स्टोर पर पड़ी हुई है तो उसको भी वहाँ से वो वेरीफाई कर सकता है थ्रू नेटवर्क और चेक कर सकते हैं कि आया है वो XYZ जो फार्मा कंपनी है इसकी येस या नो, यानी कि इसका मतलब वो जेन्युइन है या फेक है बता देगा वो. हारून साहब कल को इंटरनेट दुनिया भर में बंद होता है फिर क्या होगा? फिर तो ये प्रोग्राम भी लाइव नहीं हो सकता. प्रोग्राम पे इतना नुकसान नहीं होगा जितना आपके ने करोड़ों अरबों रुपए तमाम तर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी. इस प्रोग्राम से नुकसान किसको होगा? इनके मालिकान को होगा. लेकिन वो मालिकान कौन होंगे? सिर्फ एक स्टेक होल्डर होंगे. इस पे इन्वेस्टमेंट पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर के लोगों की होगी. फिर क्या होगा? ये सवाल लोगों को मेरे ख्याल से बड़ा क्लिक कर रहा है. इंटरनेट उस वक्त खत्म होगा कि इंटरनेट का भी शायद कोई तोड़ आ जाएगा. ठीक है, अब इंटरनेट में जो बातें हो रही है, अभी रिसेंटली एक कंपनी थी ब्लॉक स्ट्रीम के नाम से, मैं बड़ा एक्साइटेड था उसको पढ़ रहा था. तो उसमें ब्लॉक स्ट्रीम ये कह रहा है कि मैं खुद अपने जो है सेटेलाइट जो है वो दुनिया भर में यानी कि जमीन के गिर्द जो है चक्कर लगा रहे होंगे 8 से 10 सेटेलाइट, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्लॉकचेन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही होंगी. लेट सपोज अगर हम आपस में बिटकॉइन भी एक्सचेंज करते हैं तो मुझे XYZ कंपनी की कोई मुझे जो है वो सेटेलाइट की या उसकी मुझे किसी भी ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं होगी. वो ब्लॉक स्ट्रीम, अब आप ये देखेंगे जो ब्लॉक स्ट्रीम है ये क्या सोच रहा है? ये तो सबको बाईपास करने की कोशिश कर रहा है. तो दुनिया में होना ही होना है. हो सकता है इंटरनेट का कोई तोड़ आ जाए, जैसे ब्लॉक चेन है TCP/IP प्रोटोकॉल की तरह काम करता है, इसलिए प्रोटोकॉल. लेकिन लोगों का अंदाजा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी इसकी समझ ही नहीं है अभी किसी को. USA अगर इकदाम उठाता है तो हम कहते हैं ना स्मार्ट मूव, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लेता है. उसने लिया तो फिर नहीं लेगा कैसे? वो तो सब तो इंटरनेट डॉलर को कैसे मैनेज करेगा? डॉलर जो जिस पे वो कमा रहा है डिसेंट्रलाइज है. देखिए मैं आपको मिसाल दूं एस्टोनिया की. एस्टोनिया में जितने भी मामला, जैसे वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का मामला हुआ
तो उन्होंने कहा कि जो ज्यूरिसडिक्शन है ना वो अब इंटरनेट पे हो रही है, एस्टोनिया में नहीं हो रही है। एस्टोनिया के पास उसके पास इख्तियार हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो है वो किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी से निकल के वो डिसेंट्रलाइज हो गई। हारून मुझे ये क्लियर कर दें कि जो पेपर करेंसी हो गई, डॉलर यूरो हो गया, ये अपनी इन्होंने अपने अपना टाइम लगा दिया अपने आप को मनवाने के लिए पूरी ग्लोबल मार्केट में, ये लोग कैसे जो है डिनाई करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, इस वक्त डिनाई करना या इस वक्त इनको मानना पड़ेगा कि जब लोग आप लोगों को रोक नहीं सकते आप किसी काम करने, आप टेक्नोलॉजी को नहीं रोक सकते, आप टेक्नोलॉजी को नहीं रोक सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरह की इतनी एडवांस आ रही है कि लोगों को खुद इसका फायदा, देखिए अगर उनके पास आज अगर दुनिया भर में 2 अरब की आबादी है जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, बैंकिंग सिस्टम, बैंक्स आर फेल्ड टू अंडरस्टैंड टू एस्टैब्लिश एंड टू बेसिकली क्रिएट अकाउंट फॉर दोस 2 बिलियन नंबर ऑफ अकाउंट, ठीक। लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है, उसमें आपको सिंपल एक मोबाइल फोन चाहिए, आपकी एक पब्लिक की होगी, एक प्राइवेट की होगी, दैट्स इट, वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि आप खुद जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, यू विल बी द ओनर, यू विल हैविंग द ओनरशिप ऑफ योर पब्लिक की एंड प्राइवेट की। अगर आपने प्राइवेट की किसी को दे दी तो वो सारा सासा आपने दे दिया उसको, ठीक है। टेक्निकल एक्सपर्ट और आईटी एक्सपर्ट्स आपकी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं? नहीं कर रहे, मुझे बहुत मसले आ रहे हैं, हम खुद मैं इस चीज़ को नोट कर रहा हूँ, मैं कई जगह विजिट करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स के पास जाता हूँ, मैं उनसे बातचीत करता हूँ, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि यार मुझे ये फलानी लैंग्वेज के मुझे लोग चाहिए या दुनिया में इसकी डिमांड हो रही है, जैसे दुबई से मुझे कॉल आई, कहते हैं कि जी हमें सॉलिडिटी में बंदा दिखा दो कोई अगर है पाकिस्तान में, या किसी को जावा स्क्रिप्ट आती है या किसी को PHP, वो 4-5-6-7 कोई लैंग्वेज का पूरा एक मजमुआ है, अगर वो किसी को आता तो वी कैन पे अ गुड हैंडसम सैलरी, लेकिन बात ये कि वो अब चूंकि कमांड नहीं, दूसरा मसला उनका भी नहीं है, उनको असल में उनको ये नहीं पता कि टेक्नोलॉजी आ कितनी तेज़ी से रही है, अडॉप्टेबिलिटी जब तक वो खुद नहीं करेंगे तो कैसे उसको लर्न करेंगे, ठीक है। और दूसरा रेगुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमारे पास क्यों चैलेंजेस आ रहे हैं इसको अडॉप्ट करने में, इस पर मुझे आप बता दीजिए। देखिए, एक नई चीज़ अब जब भी डिसरप्शन होती है तो आपको पता है एक्साइटमेंट पैदा करती है, और डिसरप्शन जो होती है वो कुछ चीज़ों को डिस्प्लेस करती है, ख़त्म करती है, ठीक है। डिस्ट्रप्टिव आएगा तो कुछ रिप्लेसमेंट होगी, बिल्कुल होगी, और ये होना है, और इस पर कोई मेरा कोई क्रेडिट नहीं जाता या किसी और का, ये तो हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें फ़ायदा ये कि जो आम पब्लिक है, आम आदमी है, जो दुनिया में जो इंसान बसते हैं इस वक्त 7+ बिलियन की जो आबादी है, उनको फ़ायदा होना चाहिए। हर चैलेंज अभी हमें क्या आ रहा है इसको अडॉप्ट करने में, बुनियादी चैलेंज क्या आ रहा है? बुनियादी चैलेंज जो मेरी नज़र में ना वो अवेयरनेस है, अवेयरनेस है सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये, क्योंकि देखें यूजेज जो है ना वही करेंगे, लेकिन इसकी सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इसकी कोई मार्केटिंग नहीं होती है, इसकी कोई ऐसी कंपनी नहीं है, इसको कोई प्लाजा नहीं है, इसकी कोई कॉन्टैक्ट सेंटर नहीं कि जहाँ से आपको कॉल आए आपको, क्योंकि इसमें मैंने कहा ना इसमें ये सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है, लोगों में जो अडॉप्टेबिलिटी है ना वो खुद आएगी एक दूसरे को देख के, वो मतलब वर्ड ऑफ माउथ है या क्या इम्पैक्ट डालेगा पेपर करेंसी पर, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा मैं अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पाकिस्तान की बात करूँ तो स्टॉक एक्सचेंज पर इम्पैक्ट देख रहे हैं आप, रियल इस्टेट पर देख रहे हैं आप, कमोडिटी पर जो ट्रेडिंग होती है इस पर इम्पैक्ट देख रहे हैं, इसका जवाब ब्रेक के बाद दीजिएगा, ब्रेक का कहा जा रहा है, जब ब्रेक पर वापस आएंगे तो इन तीनों एलिमेंट को डिस्कस करेंगे आपसे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक, एंड वी आर डिस्कसिंग आईटी सेक्टर, और हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले के कुछ चेंजेस की बात कर रहे थे, और हम रोबोटिक पर बात कर रहे हैं, साथ में हम क्रिप्टो इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, इसका चेंज किस तरीके से आएगा। सवाल मेरा ये था हारून से कि स्टॉक एक्सचेंज, रियल इस्टेट और कमोडिटी मार्केट पे इसका क्या चेंज आएगा, क्योंकि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लोगों की यहाँ पर होती है। हारून, ओवर टू यू, इसका क्या जवाब देंगे आप? देखें, जिस तरह ये जो सारे एसेट्स की हमने बात की, जिस तरह स्टॉक है, बॉन्ड है, या हमारे पास रियल इस्टेट है, ये भी एक एसेट है, हमारा एक एसेट्स हैं ये, लेकिन अब जो दुनिया में कॉन्सेप्ट आ रहा है उसका नाम है डिजिटल एसेट, डिजिटल करेंसी या डिजिटल एसेट। तो ये डिजिटल एसेट जो होगा ना, ये इन तमाम चीज़ों को आप ये कह लें कि एक नया एक उनके पास एक चॉइस आ जाएगी, उनके पास क्या वो चाहें तो वो रियल इस्टेट में जाके इन्वेस्टमेंट करें, वो चाहें तो डिजिटल एसेट में करें, वो चाहें तो किसी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में इन्वेस्टमेंट करें, या कहीं भी जाके इन्वेस्टमेंट करें। तो ये तो, और मज़े की बात यह है कि इसमें लोगों का ट्रस्ट भी आ रहा है इसमें एलिमेंट, ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रस्ट एलिमेंट नहीं है, ट्रस्ट एलिमेंट इसलिए क्योंकि जो प्रोटोकॉल है, जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है इसके पीछे, मैं बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, या डिसेंट्रलाइज क्रिप्टोग्राफी या डिजिटल सिग्नेचर, इन चारों का जब मुरक्कब बनता है वो तब जाके वो एक चीज़ हमारे सामने आती है, ठीक है। तो उसकी बदौलत जो है ना लोगों का एतमाद बढ़ रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको वो नंबर डिजिट में नजर आएंगे जी, तो ऑटोमेटिकली आप कहेंगे कि यार ठीक है, मेरा सासा जो है ना वो डिजिटल एसेट है। अब मिसाल के तौर पर लोगों के अकाउंट तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि लोगों के नाम से अकाउंट के ऊपर पता जाता है कि जी हारून के पास इतने पैसे हैं या रोहेल के पास इतने पैसे हैं, अब ऐसा नहीं हो रहा। अब ये बता रहे कि किस पब्लिक की पे कितना पैसा पड़ा हुआ है, किस पब्लिक की में किसके घर पड़ा हुआ है, किस पब्लिक की में किसका डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। डेटा बेस कलेक्ट हो सकता है इससे आराम से किसी भी कंट्री का, कहाँ पर कितनी ट्रेडिंग हो रही है, किस तरह से हो रही है? नहीं, इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो ये डिसएडवांटेज भी तो है। देखिए, डिसएडवांटेज है, लेकिन ये आप उस सूरत में कह सकते हैं बिल्कुल है उसको, अगर हम बात करें मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, हम डिफरेंट हम क्रिमिनल एक्टिविटी की बात करें,
तो मेरी एक हमेशा से एक बहस रही है कि ट्रांजिशन इट्सेल्फ इज नॉट अ क्राइम. या तो ट्रांजिशन से पहले क्राइम होता है या ट्रांजिशन के बाद क्राइम होता है. आज भी मैं डॉलर भी 100 डॉलर भी लेके जाऊँ, मैं जाके उससे मैं 10 काम कर सकता हूँ, तो उसका मतलब है मैं ब्लेम उसको करूंगा जिसने 100 डॉलर छापे ही है. नहीं, ऐसा वर्क इन प्रोसेस के आप दौरानिए को क्राइम नहीं कह सकते, राइट? वर्किंग प्रोसेस को नहीं कह सकते, उसके बाद या तो हो रही होगी या उससे पहले ट्रांजेक्शन हो रही होगी. लेकिन अगर आप उन प्रोसेस को अगर आप डिजिटाइजेशन पे लेकर आएंगे तो आप जाके वहाँ पे हैक कर लेंगे. ठीक है, मैं आपको मिसाल दूँ, बड़ी अच्छी मिसाल है. ये सारे जो वर्ड है, मतलब ये सारे बजवर्ड है, पुराने हो गए. करीम ऊबर मैं सुन सुन के थक गया हूँ. एक नया आ रहा है जिसे कहते हैं सुपर ऊबर, इसे कहते हैं बी एयरबीएनबी भी, ठीक है. और इसे कहते हैं आपका, लेट सपोज जैसे हमारा एक, जैसे मैंने आपको ट्विटर का बताया. अब बी एयरबीएन ये किया क्या कह रहा है कि वो ये कह रहा है उसने पिछले साल अपने पास कोई 4-5 डेवलपर बिठाए, उसने कहा कि इस ब्लॉकचेन पे, इसको एयरबीएनबी को ब्लॉकचेन पे ले जाओ और लोग जो हैं हम सामने ना हो बल्कि पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, अगर वो कस्टमर जिस, अगर मैंने आपका कोई कमरा या घर एक्वायर किया और उसको मैंने एक एज अ गेस्ट मैं वहाँ पे रहा, अगर मैंने उसको कोई ख़राब किया तो आप मेरी रेटिंग कर देंगे ख़राब. और वो जैसी रेटिंग आप ख़राब करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो तमाम जितने भी डिसेंट्रलाइज में जहाँ जहाँ मेरा डेटा होगा उस पब्लिक की के आगे मेरी रेटिंग आ जाएगी 0. अगर मैंने कोई दूसरी सर्विस यूज़ करने की कोशिश की, जैसे मैं वो जगह मैंने यूज़ की और मैं वैसी जैसी मैं बाहर आया तो मेरे सामने सुपर उबर खड़ी है, जो उबर जो है किसी ब्लॉकचेन के ऊपर है, ऑटोमेटिकली वहाँ से मैसेज आ जाएगा, कन्वे हो जाएगा कि हारून जो है ना उसको आप रेड मार्क कर दें क्योंकि हारून ने अभी एयरबीएनबी के साथ जो काम किया, यानी कि उसके कस्टमर के साथ या जो उसने जो गेस्ट हाउस जो यूज़ किया है उसको उसने सही तरीके से उसको, तो वो राइट सर्विसेज की पोजीशनिंग से डिफरेंट है हारून. नहीं, वो मैंने कहा ना डिसेंट्रलाइज के फायदा है क्योंकि सेंट्रलाइज आपस में डेटा शेयर नहीं करते, तो डिसेंट्रलाइज शेयर करेंगे. आप मुझे बिठाने से बंद, वो मेरे लिए दरवाजा ओपन ही नहीं होगा. आपने क्यों बोला वकरीम सुन के मैं थक गया हूं, ये पुराने लगते हैं मुझे, तो मैं तो नहीं है पुराने. लेकिन आप देखें करीम की मैं बात करूंगा, ऊबर तो खैर मल्टीनेशनल है, लेकिन जो मार्केट किया उन्होंने और जो रिटर्न कमाया आज लोग उसकी बातें कर रहे हैं. तो पाकिस्तान में देखिए सबके लिए नई चीजें, लोग यूज कर रहे हैं इसको. मैं बात कर रहा हूँ दुनिया से, मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ. जब मैं वो पढ़ता हूँ तो मुझे ये, जब मैं यहाँ सुनता हूँ तो मुझे थोड़ा सा देखें, वो एक छोटा सा कंपोनेंट है ना, वो तो आप फिर बहुत बड़े लेवल की बात करें. मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात लाजमी आपसे करूंगा, उसमें आप क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं ब्लॉकचेन को लेकर? एजुकेशन इंस्टीट्यूट का देखें, हमारे इस वक्त मैंने कहा 2 टारगेट है, ब्लॉकचेन टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो प्लैनेट एंड ग्रुप की कंपनी है. हमारे 2 मकसद हैं अभी फिलहाल, जो हमारा एक है नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और इसके अलावा एक फार्मा इंडस्ट्री, और तीसरा हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है डिग्री और सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन. आज भी अगर किसी एम्प्लॉयर के पास आप जाते हैं, लेट सपोज आपने किसी बैंक में अप्लाई किया, किसी एफएमसीजी में अप्लाई किया, तो इट विल टेक अराउंड 3 to 4 months टू वेरीफाई योर डिग्री और सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कॉलेज और इंस्टीट्यूट. ठीक है. लेकिन अगर आप चीज़ें इसको डिसेंट्रलाइज कर देंगे, जिसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो बहुत आसान है, कन्वीनियंट है, तो वो डिसेंट्रलाइज होकर वो 10,000-20,000 कंप्यूटर्स के पास वो डेटाबेस आपका आ जाएगा कि हारून की ये सर्टिफिकेट और डिग्री है जी. तो एम्प्लॉयर जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा उस वक्त वो मैनेजर ऑनलाइन होकर आपकी पब्लिक की से चेक कर सकता है इसको. जब उसको चेक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो कहेगा कि भाई तुम्हारी फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है, तुम्हारे डिजिटल सर्टिफिकेट मेरे सामने आ रहा है, अगर तुम मुझे कॉपी भी जमा करा तो दोनों मिल जाएंगे मुझे आपस में. वेरी ट्रू, वेरी, ठीक है ना. राधा धन के आप 3 महीने उसको प्रोबेशन पर रखें, तो ये टाइमिंग ट्रांजेक्शन मैंने कहा ना टाइम को रिड्यूस कर रही है. इसके अलावा कॉस्ट कम से कम आ रही है. कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो हैवी चार्जेस, मतलब उस पे वो टाइम डिले बहुत है वेरिफिकेशन का. आपको बाहर भी जाना है, आप डिग्री वेरीफाई करवा रहे हो, आपको इदारे में जाना है, लाइन लगानी पड़ रही है, टोकन लेना पड़ रहा है, बैंक बंद हो जाएगा तो उससे पहले पहुंचना है, फिर 3-3 महीने जो ऑफिसर है वो वेकेशन पे गया हुआ है, फला बंदा, इस चीज़ का प्रॉब्लम तो है. ये आप सही दबा दो, उससे क्या होगा कि इससे सबसे बड़ा फायदा होगा डिसेंट्रलाइज से या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कि डिग्री की जो वेरिफिकेशन है या सर्टिफिकेट की. तो ये बात सरकारी सतह पर क्यों नहीं उठाई जा रही, इसको क्यों रजिस्टर नहीं करवाया जा रहा? देखें सरकारी सतह पे जो है बात जब की जाती है तो वो हमेशा ये कहते हैं कि वी आर नॉट पॉलिसी मेकर. ठीक है, आप फिनटेक जैसी कंपनी या वेंडर जैसे लोग आप जो इस पे काम करें, पहले आप उनको टारगेट करें जो ओरिजिनेटर है. ओरिजिनेटर कौन है? कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इशू तो वो करें ना डिग्री. अगर ये सब मिलके अगर आज अगर इसको अडॉप्ट करते हैं, बोले बात करें कि ये कोर्स को जारी करे, इसकी स्पेशलाइजेशन भी करवाई जाए, फाइनेंस पे करवाते हैं, मार्केटिंग इसके लिए. देखिए एचएससी को भी हम इन्वॉल्व, हम इस सिस्टम में एचएससी को भी ला सकते हैं. इसमें होता है क्या, मल्टी सिग्नेचर्स होती हैं, यानी कि कॉलेज अगर एक इंस्टीट्यूट है उसमें अगर 2 मल्टी सिग्नेचर्स हैं, पहले वेरीफाई करेगी, दूसरी वेरीफाई करेगी, तीसरा एचएससी भी वेरीफाई करता है, तीनों मिला के वेरीफाई करेंगे, ब्लॉकचेन पर प्रोपोगेट हो जाएगी, ट्रांजेक्शन वैलिडेट हो जाएगी और एग्जैक्टली टाइम स्टैम्प के साथ, मैंने कहा ना एक टाइम स्टैम्प के साथ वो फिक्स हो जाएगी, उसको कोई टेम्परिंग नहीं कर सकता उसके अंदर, चाहे आप मुझे 15 साल बाद भी अब व्यू करेंगे. ट्रांजेक्शन की बात तो फिर वो स्टेट बैंक देखेगा ना. मैं तो इस अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि आप करके ये मामलात को रख तो सकते हैं यूनिवर्सिटीज लेवल पर, लेकिन वो किसी ने किया ही नहीं. तो पाकिस्तान में हम पहले जो ये काम करने जा रहे, तो हमारी सारी आईयू की मैनेजमेंट क्या कह रही है? नहीं, आईयू से हमारी बात चल रही है, बिल्कुल आईयू पे फोकस भी कर रहे हैं और हमारे
नहीं डिफरेंट, मैंने कहा ना अब जैसे CBM है या जैसे हमारे IBA है, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर की जो फैकल्टी है, पहले मैं उनसे जाके बात करता हूँ, फिर मैं एडमिनिस्ट्रेटर से बात करता हूँ, फिर मैं एग्जामिनर से बात करता हूँ, और फिर मैं उससे बात करता हूँ जो वाकई जो मतलब डिसीजन मेकर है, और वो अंडरस्टैंड भी करते हैं इस चीज़ को कि यार ये सारे चैलेंजेस आते हैं, हम इतना महंगा इक्विपमेंट लगाते हैं, हम सेंट्रलाइज डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है, मैं इनको ये भी कह रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइज जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग को जो है वो डिस्प्लेस कर देगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, ये बहुत एडवांस बात है, ये शायद 5-10 साल बाद आपको उसका नजर आएगा आपको इम्पैक्ट, तो उनको मैं जब ये बात करता हूँ तो वो रियलाइज करते हैं इस चीज़ को, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते। ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह से हम इकोनॉमिकल चीज़ों को आगे बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के तहत देख रहे हैं कि उससे एडवांस लेवल क्या है कि अब यही होगा करेंसी जो है वो आपके टेक्नोलॉजी पर सर्कुलेट होगी, और आप इसके एडवांटेजेस भी देखें, हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, आप ह्यूमन बिहेवियर्स के ले लें ना, हाथ उनकी पर्सनैलिटी कुछ अच्छी होगी तो कुछ जगहों पर वो बुरे भी होंगे, रोहिल की पर्सनैलिटी कुछ जगह पर अच्छी होगी कुछ जगह पर मैं बुरा होऊंगा, मुझे गुस्सा तेज़ आता है आपको कम आता होगा, ये आपके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपकी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में भी होते हैं, राइट? बिल्कुल होते हैं, ये हमारे पास इस तरह की कई सारी मिसालें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, अब ऐसी ऐप भी आ रही हैं कि अगर आप बात कर रहे हैं अगर फ़ोन पे, अगर एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं और अगर आपकी जो आवाज़ है जो उसकी टोन है वो इतनी मध्यम है तो ऑटोमेटिकली वो आपको बता दे देगा कि यार आप आज आपका या तो मूड ऑफ है या बहुत किसी जो है वो किसी मुश्किल से या दुख से गुजर रहे हैं। बहुत काम हो रहा है, बिल्कुल काम हो रहा है, हम अगर मिसाल लें IBM की मिसाल लें, वॉटसन की मिसाल लें, तो इसमें बहुत सारी आप देखें, वॉटसन ने जब एक कंपैरिजन दिया था बाराक ओबामा का और जो ट्रंप थे, उन दोनों का जब कंपैरिजन दिया तो बाकायदा उन्होंने उसका जो है वॉटसन ने उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बताया कि बाराक में कॉन्फिडेंस जैसे 79% है तो ट्रंप में जो है वो 81% है, ठीक है ना, तो वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन बात वही है कि ये सब चीज़ें तो आ रही हैं, शेल्फ में भी रखी हुई हैं, इस्तेमाल कौन करेगा? हम लोगों ने तो एक डेमो भी किया, अभी मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में एक चीज़ डिस्कस की थी, कराची में एक जगह जो है वो एक मीटिंग थी तो वहाँ पर रोबोट्स को ले लिया था और वो जो है ग्रीटिंग्स के तौर पर लोगों को जो है वो एक रोबोटिक उन्होंने बनाया हुआ था, वो स्वीट सर्व कर रहे थे अपने गेस्ट को, तो हम देखें अडॉप्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर एक रेस्टोरेंट का भी जिक्र मैंने किया था कि वहाँ पर वो तमाम लोगों को खाना दे रहे हैं, इससे आगे निकलना है, जैसे आप जो जिस लेवल की बात कर रहे हैं, एक तो अवेयरनेस हो गई, अब बात ये है कि देखें रवायती तरीका है ट्रेडिंग का, ये कैसे चेंज होगा, रवायत को कैसे बदला जाएगा? देखिए रवायती तरीका जो है वो फिर भी जो है टेक्नोलॉजी से होगा, अब जो मिलेनियल्स जो आ रहे हैं, हमारी जो नई जनरेशन है जिनकी उम्र 16 से लेकर 24 है, उनकी अंदर वो उनके अंदर वो स्टेमिना नहीं कि वो बैंक में लाइन में खड़े होकर या किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके जो है वो अपने उसी पुराने कंबर्शन प्रोसेस से गुजरें, ठीक है ना, वो तो ये कहते हैं जहाँ आसानी होगी हम वहाँ बात करेंगे, लोग कह रहे हैं कि यार गूगल पेमेंट करता है, गूगल से पेमेंट होगी या नहीं होगी, अब देखें लोगों ने जो ऑनलाइन कॉमर्स के लोग हैं ना जो कंपनी चला रहे हैं उनको ये बात उनके लिए बड़ी एक अच्छी बात है कि मैं ये नोट कर रहा हूँ कि लोग अभी बातें करना शुरू हो गए कि यार मैंने अमेजोन से मंगवाया है, आपको नहीं पता कि अमेजोन के पीछे कौन है सप्लायर? सही बात है, अमेजोन के पास तो एक भी चीज़ नहीं है अपनी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब जब ये इस तरह की वर्ड ऑफ माउथ जब स्प्रेड होंगे मार्केट में तो ऑटोमेटिकली अडॉप्टेबिलिटी है। फार्मा का भी आप कुछ बता रहे थे, उसमें कुछ गैप है जिसपे काम करने के? फार्मा का जैसे मैंने बताया था आपको जो काउंटरफिटिंग होती है ड्रग्स में जब दवाओं में जो हैवी जो जिनकी जो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं उनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि उसकी जो है वो सेंट्रलाइज एक तो उनके पास डेटाबेस है फिर वो किसी को व्यू नहीं करने देते, अगर व्यू करते हैं तो उनको हर वक्त 24/7 अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी जो मैं आपसे बात कर रहा था कि उसकी पब्लिशिंग हो और उसको आप एक जगह कहीं सेंट्रलाइज स्टोर करें या क्लाउड कंप्यूटिंग करें और एक कस्टमर उसको ऑनलाइन उसको चेक कर सके, इससे बेहतर ये है कि वो उसको डिसेंट्रलाइज करें ताकि अगर आपकी मेडिसिन अगर एक किसी गांव में भी जा रही है किसी एक ऐसे हॉस्पिटल में भी जा रही है जिसकी हालत इतनी खस्ता है लेकिन दवा की हालत देख के आपको अंदाजा हो रहा है कि नहीं ओरिजिनल है, बात का जो रेशियो है ना वो गलत मेडिकेशन देने से गलत ड्रग्स देने से हो रहा है, कुछ लोकल सर्टेन मोनोपोली यहाँ पर है, मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स का तो मैं आँख बंद करके भरोसा कर लेता हूँ, वो रजिस्टर होते हैं उनकी हर क्वालिटी पर मैंने चीज़ें देखी हैं, लेकिन लोकली जो गड़बड़ चल रही है 2 नंबर केमिकल्स यूज कर रहे हैं और आप देखें कोई पूछने वाला नहीं है स्टोर। वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर ओरिजिनल भी किसी ऐसी दुकान पर पड़े जिसकी हालत वाकई खस्ता है बहुत पुरानी हालत में लोग उसको भी नहीं बाय करते, वो समझते शायद दुकानदार जो है वो या तो मिलावट कर रहा है इसके अंदर या उसने काउंटर फिटिंग की है इसके ऊपर, समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल, ब्लॉकचेन के आप एडवांटेज ले सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट से और मेडिकल ये फार्मा के इसके सपोर्टिव एलिमेंट्स के साथ आप बेहतर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, हम इसके साथ क्योंकि देखिए ये इस वक्त हमारे लिए हैंगिंग फ्रूट भी और इसमें अवेयरनेस लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और वो ले भी रहे हैं इस चीज को दिलचस्पी से। ठीक है, थैंक यू सो मच हारून साहब, आपने बिजनेस प्लस लाइव वायर के लिए वक्त निकाला, ब्लॉकचेन से मुताल्लिक हमने कुछ कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है, ग्लोबल मार्केट में हम एडवांसमेंट देखते हैं एक्सेलरेशन देखते हैं, अब देखना है कि पाकिस्तान में किस हद तक
اپنی حد تک جا کر کام ہو سکتا ہے. آئیڈیاز بہت اچھے ہیں, ایگزیکیوشن ہونا باقی رہ جاتی ہے ہمارے تمام تر متعلقہ اداروں کے تحت, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان میں اپنے آپ کو منوا سکتی ہے, اور ہم بھی ان کنٹریز کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے ہیں جو ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ بزنس بلٹن ملاحظہ کریں گے, سیکنڈ سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اور شام تک لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے.